आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित सभी मीडिया के साथीगण और इस मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री जगन्नाथ ठाकुर जी, मीडिया प्रभारी दानी सिकवाल जी, पार्टी के प्रवक्ता कुलतल कृष्णन जी, पार्टी के नेता और पार्टी के प्रवक्ता अरविंद सिंह जी, बबलू जी और इस मंच के सामने उपस्थित सभी मीडिया के साथी, प्रेस एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथीगण, आज बड़े दूसरे पार्टी के लिए दुख का विषय है कि आज जिस तरह कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार को झारखंड में, उड़ीसा में देखने को मिला, इससे बड़ा भ्रष्टाचार और गिनते गिनते आईटी डिपार्टमेंट के पदाधिकारी थक गए और अभी तक जारी है। कांग्रेस पार्टी का परिचय का मतलब भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार है। आप सोचिए कि जिस राज्य में सहयोगी के तौर पर हो और वहां पर 300 करोड़ से अधिक कैश राशि उपलब्ध हो और वो भी कांग्रेस पार्टी के सांसद के घर से, और FIR दर्ज कराने वाले कोई और नहीं थे, जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। और जब लालू प्रसाद जी पे दोबारा जांच शुरू हुआ वो भी जनता दल यूनाइटेड के लोगों ने कराया। यदि किसी पे प्रेशर कोई बनाता है तो वो जनता दल यूनाइटेड के लोग बनाते हैं। हम तो एक प्रमाण मांग रहे हैं आप लोगों से कि यदि कोई ऐसा प्रमाण है तो दीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने कपूरी ठाकुर जी को दो बार मुख्यमंत्री बनाया, लालू प्रसाद जी को मुख्यमंत्री बनाया और नीतीश जी को भी कंधे पर बैठाया। नीतीश जी कभी किसी को कंधे पर बैठाए उसका नाम बता दीजिए उनका। नीतीश जी को 6 विधायक थे मात्र और 41 विधायक हुआ करता था भारतीय जनता पार्टी का। कंधे पर बैठा कर भाजपा जिसको समर्थन करती है अंधा प्यार करती है, लेकिन वो भुला गए कि ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह और नड्डा जी की आज देश में पार्टी चलने वाली पार्टी है। अब दुश्मनी भी करेंगे तो ठीक से करेंगे। धन्यवाद।